अनिल सर के अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी रीज़न से ये देख पाऊँगी। फ़ोन मिला है वो तो काफ़ी अनफेयर है, हमें तो नहीं मिला था। मल्टीपल मैरिजेस को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि यही उल्टा कर दिया जाएगा। औरतों को ज़्यादा हस्बैंड रखने की अगर हम बात करें तो औरतों को चरित्रहीन बोल दिया जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि कास्टिंग इस बार बहुत ख़राब की गई है, इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। तो जो जिस इंसान ने अपने करियर की शुरुआत ही रूल्स तोड़ के और इलीगैलिटी से की है, वो शो के अंदर कहाँ तक एथिक्स के साथ रहेंगे, ये थोड़ा डाउटफुल है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बेबिका धुर्वे जी, जो इस समय मौत से खेल कर आई हैं, वो भी बर्थडे से, बर्थडे के दिन। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बेबिका जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स माय बर्थडे टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर वेल विशेस, और आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मौत से खेल के आई हैं, क्या ये क्या हुआ? एक इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट किया है रिसेंटली, कम वक्त में काफ़ी बड़ा काम कह सकते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जल्दी आपको रिवील कर दिया जाएगा। फिर भी थोड़ा हिंट तो बताइए, क्योंकि फैंस जानना चाहते हैं कि क्या मौत से खेलना क्या है। मतलब कुछ एडवेंचरस, आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत मैंने सोचा नहीं था मुझ में ये काबिलियत होगी ऐसा कुछ करने की, बट मैं खुद हैरान हो गई कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ, एक्चुअली मरते मरते बची हूँ। चलिए, बर्थडे है, बर्थडे के दिन हर कोई एक रेजोल्यूशन लेता है, राइट? चाहे वो अच्छी आदत या कोई बुरी आदत छोड़ना। अगर आपसे पूछें आज आप क्या रेजोल्यूशन लेना चाहेंगे अपने बर्थडे के खास मौके पर? वह अपने बर्थडे पे मैं यही रेजोल्यूशन लेना चाहूँगी कि जैसी लाइफ चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, भगवान कर ऐसे ही चलती रहे और अच्छा आए। अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा विशेज मैं मांगना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ और लॉन्ग लाइफ और यू नो वेरी हेल्दी एंड नाइस स्टेबल सेफ लाइफ के लिए। फैमिली, माय डॉग, माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो मेरे हिस्से की सारी जो इच्छाएं हैं वो ज़्यादातर उनके लिए हैं। चलिए, आप मिली हैं और बिग बॉस की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ये बताइए, बिग बॉस देख रही हैं? मैं ये सीज़न खास नहीं देख रही हूँ, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। अनिल सर के अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी रीज़न से ये देख पाऊँगी, तो मैं शायद वीकेंड के बाद ही देखूँगी जस्ट फॉर अनिल सर। बट इस बार बिग बॉस में नियम चेंज हो गए हैं, इस बार घर के अंदर फ़ोन अलाउ है। सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे? फ़ोन मिला है कंटेस्टेंट्स को? फ़ोन मिला है वो तो काफ़ी अनफेयर है, हमें तो नहीं मिला था। क्या वो सोशल मीडिया एक्सेस दे रहे हैं? नहीं, घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बिग बॉस का मैसेज आता है और वो सब चैटिंग होती है अंदर, घर के अंदर। बट फिर भी उनको पर्सनली मैसेजेस आते हैं, काफ़ी कम्युनिकेशन हो रहा है, फ़ोन पकड़ने का एक साधन मिल रहा है, मौका मिल रहा है, वही बड़ी बात है यार, इट्स अ बिग प्रिविलेज। इस बार घर के अंदर एक ऐसा नियम और लागू हुआ है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उसमें एक बंदा खुफिया है, जो बाहर की इन्फॉर्मेशन भी उसको मिलती है और एक बाहर का सदस्य बन के घर के अंदर है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है गेम काफ़ी इजी कर दिया है इस बार, बहुत सी चीज़ें, आई मीन फ़ोन ले आना, किसी एक को खुफिया बना के बाहर की इन्फॉर्मेशन दे देना, हमें तो पता भी नहीं था बाहर क्या चल रहा है, किसकी प्रोफाइल बढ़ रही है, किसकी घट रही है, किसके बारे में क्या बोला जा रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। तो अगर आपको सब कुछ इतना आसान करके दिया जा रहा है, तब तो आपको सीज़न काफ़ी अच्छा करने का प्रिविलेज मिल रहा है। उसके अलावा एक और बहुत चर्चा में बिग बॉस OTT सीजन से इसलिए है क्योंकि अरमान जी दो दो बीवियों के साथ घर के अंदर आए हैं, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ सेलेब्स ये कह रहे हैं कि ये बिग बॉस क्या मैसेज दे रहे हैं, लोगों को क्या आप कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? वेल, आई डोंट सपोर्ट पॉलीगेमी, मल्टीपल मैरिजेस को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। मेरे घर में भी मेरी चार बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं और सब एक ही इंसान से शादी करके घर बसा के बहुत सुखी हैं, और उनको देखकर मैं इंस्पायर्ड हूँ कि ये घर की गृहस्थी हो तो मेरी बहनों जैसी हो। और अरमान जी की जो लाइफ है मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, और आई फील सैड फॉर हिज फर्स्ट वाइफ, बट शी इज़ ऑल्सो अलाउिंग इट विच इज़ नॉट राइट। सो ऑल थ्री ऑफ देम, वो एक अच्छा उदाहरण नहीं दे रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए या करंटली किसी के लिए भी। आई लिटरली डोंट सपोर्ट पॉलीगेमी, क्योंकि यही उल्टा कर दिया जाएगा। औरतों को ज़्यादा हस्बैंड रखने की अगर हम बात करें तो औरतों को चरित्रहीन बोल दिया जाएगा, लेकिन जब कोई मर्द दो बीवियाँ, तीन बीवियाँ रख रहे हैं तो उसे चरित्रहीन नहीं बोला जाता, तो ये बहुत ही गलत बात है। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दिस, दिस इज़ अ टेरिबल बैड एग्जाम्पल फॉर द यूथ। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर प्यार हो गया, मतलब यू नो जो पूरी उन्होंने जर्नी बताई है उसको लेकर के बहुत सेलेब्स अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उर्फी ने सपोर्ट किया, वो उनका ये कहना है कि अगर वो राजी हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले। वेल, आई फील कि
अगर उर्फी सपोर्ट कर रही है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जितना मैं उर्फी की पर्सनालिटी को समझती हूँ, अगर उसकी ज़िंदगी में ये नौबत आ जाए तो वो खुद बौखला जाएगी, वो बवाल खड़ा कर देगी और लड़ पड़ेगी अपने लिए और अपने यू नो सिंगुलैरिटी के लिए, कि शी कांट शेयर हर मैन हर सेल्फ, जितना मैं उसकी पर्सनैलिटी को समझती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उसे सपोर्टिवली हाँ बोलना चाहिए। घर के अंदर आते ही कंटेस्टेंट राशन को लेकर के लड़ रहे हैं, वही चीज़ चल रहा है और 5 दिन का राशन 2 दिन में ख़त्म हो गया, खाने के लिए तरस रहे हैं, आपने देखा कुछ वैसे तो सोशल मीडिया पे आता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर अगर वो लोग अपना यू नो यूनिटी या फिर कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करके अगर ला पाएंगे, जीत पाएंगे कोई टास्क, तो उनको राशन मिल सकता है, यूजुअली ऐसा ही फॉर्मेट होता है। ये एक ऐसा शो है जहाँ पर लोग अपनी पर्सनालिटी को दिखाते हैं और लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, जैसे आप लोगों ने बोला ना, आप लोग जो बेंच मार्क सेट किया था अपनी बातों को रखना, यू नो बिंदास अंदाज में रखना, बट आपको क्या लगता है जिस तरह से देवोलीना ने अपनी बातें रखी हैं कि ये जो शो है दो दो बीवियों को ले आके दिखा रहे हैं, लोगों में क्या संदेश जा रहा है और ये शो किस ओर लेके जा रहा है, उस पर कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि शो के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना वो गिर रहे हैं। बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारे देश का नंबर वन रियलिटी शो है, और वो नंबर वन रियलिटी शो बना है इतने सालों बाद, जब अच्छे अच्छे सीजन्स आए हैं और अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स आए हैं जिन्होंने वो बेंचमार्क सेट किया है, और हम बिग बॉस का इतिहास का बहुत अहम हिस्सा है, हमारा जो बेंचमार्क सेट हुआ है वो टीवी सीजन्स भी नहीं कर पाए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि कास्टिंग इस बार बहुत ख़राब की गई है, इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, किसी को भी उठा के ले आया गया। आई नो सोशल मीडिया पे रातों रात कोई पॉपुलर हो रहा है, ज़रूरी नहीं अच्छे या सही रीजंस के लिए ही हो रहा है, अक्सर आपको देखने वाले लोग आपके फॉलोअर्स या लवर्स या लाइकर्स नहीं होते, वो आपके हेटर्स भी होते हैं, वो आप पे बस नज़र रखते हैं कि आप कर क्या रहे हो। तो नेगेटिव क्राउड को अट्रैक्ट करने वाले लोगों को अगर आप अपने शो में लाओगे तो सिर्फ नेगेटिव क्राउड बैठ के देखेगी और उसका अंजाम कंक्लूजिवली अच्छा नहीं होगा। इस बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मतलब टीवी स्टार्स जो पूरा भीड़ हुआ है और उस पर क्या कहेंगे आप? मज़ा नहीं आ रहा है, देयर इज जस्ट वन पर्सनालिटी रणवीर शौर्य जिनको देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि एक सेंसिबल स्ट्रॉन्ग और काफ़ी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और डिग्निफाइड आदमी है वो, और उनको हम बचपन से देख रहे हैं परफॉर्मिंग, गिविंग सच ब्यूटिफुल एंड यू नो अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, इतने ब्रिलियंट एक्टर हैं, उनको देखकर और जिस तरह वो बात करते हैं सिचुएशन से, तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड रॉक सॉलिड मैन, तो मुझे लगता है कि ही शुड स्टे इन द शो, लाइक वो एक सही कास्टिंग हुई है, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अनिल कपूर सर के बारे में क्या चाहेंगे, हालांकि जब लोग मतलब मिस कर रहे थे, कंपेयर भी करते कि सलमान नहीं होंगे तो शो अच्छा नहीं होगा, बट उन्होंने जिस तरह से अपना शो में होस्टिंग दिखाई है, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? अनिल सर को देखने के लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, उस पूरे शो में हम किसी को नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ अनिल सर को देखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा मैं सिर्फ वीकेंड का वार देखूंगी, जस्ट टू सी अनिल सर, हिज स्वैग, हिज कूलनेस एंड हिज अमेजिंग पर्सनालिटी। और इस बार ऐसा हुआ कि ठीक 4 दिन बाद एक पहला एलिमिनेशन हुआ है और नीरज घर से आउट हो गए हैं, मतलब 4 दिन बाद ही आपको लगता है ये सही है कि घर में एंट्री करते ही 4 दिन बाद ही पहला एलिमिनेशन? वेल ये प्रोबेबली आधे से ज़्यादा डिसीजंस जो होते हैं वो क्रिएटिव कॉल से ज़्यादा ऑडियंस के ओपिनियन पे भी होते हैं और थोड़े क्रिएटिव कॉल पे, तो कुछ ना कुछ रीज़न दिया होगा उन्होंने, इसीलिए एलिमिनेशन हुआ होगा, मतलब दिख रहा है ना लोगों को भी कि मज़ा नहीं आ रहा है तो लोग शुरू कर रहे हैं एलिमिनेशन। वड़ा पाव जो गर्ल जो हैं चंद्रिका जी, उनके गेम के बारे में आप क्या करना चाहिए, बड़ा नाम सुना होगा उन्होंने किस तरह से पूरा वायरल होने के बाद जो आई हैं? वेल मैं सिर्फ उनके वायरल वीडियोस में मैंने देखा था, वो वायरल इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने इलीगल तरीके से एक ठेला निकाल के वड़ा पाव बनाया शुरू किया था। इट्स गुड टू हैव योर ओन बिजनेस, अपनी खुद की आमदनी बनाना, लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन उनको इलीगल तरीके से नहीं करना चाहिए था, जब बाकी सारे लोग पैसे देकर अपना बिजनेस चला रहे हैं एक लीगल और एथिकल तरीके से, तो जो जिस इंसान ने अपने करियर की शुरुआत ही रूल्स तोड़ के और इलीगैलिटी से की है, वो शो के अंदर कहाँ तक एथिक्स के साथ रहेंगे, ये थोड़ा डाउटफुल है। आप किसको चाहती हैं कि वही शो जीते इस बार, मतलब बिग बॉस सीजन OTT3? कौन जीते? मैं रणवीर शौर्य चाहूँगी वो जीते, बिकॉज अब हो गया वो कि सोशल मीडिया वालों के
आर्टिफिशियल नंबर्स और छोटे मतलब मास नंबर्स देख देख के एक्साइट होके वोट्स मिलना इज़ नॉट राइट. आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द कंटेस्टेंट नॉट जस्ट क्वांटिटी. एंड रणवीर इज़ द ओनली वन, वो मैच्योर भी है, वो सेंसिबल भी है, वो एंटरटेनिंग भी है, वो अपना ओपिनियंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं, वो एक्सट्रीमली रियल है और उनकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग है. सारी क्वालिटीज़ ऑल इन वन है. तो बस नंबर्स पर मत जाइए, आप इंसान कंटेस्टेंट्स की क्वालिटी पर जाइए और आई एम श्योर ही शुड विन. इसके अलावा इस बार कहते हैं एल्विश की झलक आई है लोकेश को, आपने देखा? आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड. आई मीन एल्विश की पर्सनैलिटी में ह्यूमर था और उसे हमारे सीजन में कुछ कंटेस्टेंट्स पसंद भी करते थे एल्विश को, यू नो. बट लोकेश बहुत इरिटेटिंग लग रहा है. आई मीन उसके ह्यूमर में कॉपी पेस्ट लग रहा है. वो बस किसी की परछाई जीने की कोशिश कर रहा है. बिग बॉस का शो किसी और की परछाई जीने की बुनियाद पे नहीं होता, अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी से लोगों को इम्प्रेस करने की बुनियाद पे होता है. तो उसको थोड़ा एल्विश की शैडो छोड़कर खुद की रियल पर्सनालिटी दिखानी चाहिए, शायद दैट वुड वर्क बेटर फॉर हिम. और घर वाले भी कह रहे हैं कि ये आपकी झलक आ रही है ना, जिस वे में वो बोल रहे हैं, जो स्टाइल दिखा रहे हैं, सेम टू सेम एकदम बिल्कुल, यू नो. वो बेसिकली एक ही ग्रुप है ना, तो एक दूसरे के साथ रह के शायद वो चढ़ जाता होगा एक दूसरे का लहजा. लेकिन एल्विश आर्मी की तरफ मेरा बहुत प्यार है, मैं उनसे बहुत पसंद करती हूँ. उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट और प्यार दिया है, तो आई रियली रिस्पेक्ट हिज फैंस एंड दे हैव ऑलवेज स्टूड फॉर मी. जब कोई खड़ा नहीं होता था मेरे लिए, वो खड़े होते थे एंड they've always been there for me, so I have immense respect for them. But Elvis Army को समझना होगा कि कटारिया को अपना गेम originality की बुनियाद पर चलाना चाहिए, कॉपी पेस्ट की बुनियाद पर नहीं. Elvis के जैसा नहीं, लवकेश. हाँ, आई एम प्रीटी श्योर लवकेश की पर्सनैलिटी में कुछ तो अलग होगा जो लोगों को पसंद आ सकता है. वो अलग और रियल जो है वो दिखाइए आप, इट विल रियली वर्क. मतलब थोड़ा फोर्स्ड दिखा रहा है अपने आप को, मतलब दिखने की कोशिश कर रहा है वो, इसीलिए हर जगह एक्साइट हो रहा है. वो मत कीजिए आप, ज़बरदस्ती दिखने की कोशिश मत कीजिए. जिसकी पर्सनैलिटी में चार्म होता है ना, वो कुछ ना करे तब भी कैमरा घूम जाता है आपकी तरफ, जैसे मेरे घूम जाता था. आपके जो पुराने साथी मतलब OTT सीजन 2 के लोग थे, उनसे बात हुई कि 3 के बारे में उनका रिव्यू क्या है? बिल्कुल भी नहीं, मेरी किसी से इस बारे में बात नहीं हुई. कोई आपस में डिस्कस नहीं कर रहा है, सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं. मैं खुद एक प्रोजेक्ट ख़त्म करके आई हूँ जिसके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ. मतलब ये बिग बॉस से भी अलग टाइप का प्रोजेक्ट है भाई, मेरी जान जाने वाली थी, ऐसा प्रोजेक्ट है ये तो. और मैं अपनी जान पे खेल के आई हूँ, तो मैं उसमें अटकी हूँ अभी. मेरे दिमाग में बिग बॉस नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है. और ये एक्सपीरियंस भी मेरे दिल के काफ़ी करीब रह चुका है, बहुत स्पेशल. और उसके अलावा आगे भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो मेरा माइंड वहाँ डाइवर्टेड है. आई एम श्योर सारे कंटेस्टेंट्स जो प्रीवियस हैं वो अपनी अपनी लाइफ में अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में इंडल्ज्ड होंगे. और जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो इंसान का मन थोड़ा उठ जाता है. जैसा आपने कहा, मैंने आपसे पहले पूछा इस बर्थडे पे आप क्या चाहती हैं, तो आपने बोला फैमिली, सब खुश है, सब कुछ है. आपकी लाइफ में लव कब होगा? मेरी लाइफ में लव मेरी लाइफ में लव जब होगा तब होगा, क्योंकि मैं ढूंढती नहीं हूँ, मुझे ढूंढते हुए प्यार आ जाता है मेरी ज़िंदगी में, अक्सर ऐसा होता है. तो जब उसने आना है, सही वक्त पे आ जाएगा. तब तक मैं पैसे कमाने में बिज़ी हूँ और अच्छा अच्छा काम करने में बिज़ी हूँ, खूबसूरत लगने में बिज़ी हूँ और अपने माता पिता की सेवा करने में बिज़ी हूँ. वो तो आप कर ही रही हैं, बट मम्मी पापा नहीं बोलते हैं कि नहीं अब टाइम है तुम कर लो, क्योंकि उनके सामने. आई विल टेल यू गाइस, मेरे छोटे भाई की एंगेजमेंट हो रही है, तो उन्होंने मुझ पर होप छोड़ दी है कि ये तो अपना वक्त लेगी, तो जो मेरे पीछे थे उनको आगे कर दिया है. तो मैं अपना वक्त ले रही हूँ एंड दे रियली बिलीव इन मी. और उनको लगता है कि इट्स गुड दैट शी इज़ टेकिंग अ टाइम, लेट थिंग्स. हर चीज़ का एक वक्त होता है, आप वक्त से पहले हर ही नहीं कर सकते. आप कभी ये नहीं सोच सकते नहीं अभी प्यार होना चाहिए, अभी शादी होनी चाहिए. आप कैलकुलेट या प्लान नहीं कर सकते, और जो अनप्लान्ड होता है वही सही होता है. बट चूंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लोगों का भविष्य भी देखती हैं, आई एम श्योर आप नहीं देख पाते, क्योंकि ऐसा शायद नियम में नहीं है, अपनी चीज़ें नहीं देख पाते. बट आपको लगता है कि आपको रियल मतलब प्यार होगा या फिर अरेंज होगा कुछ? आई एम श्योर मेरा लव मैरिज ही होगा, अरेंज मैं नहीं कर सकती हूँ. मेरी पर्सनैलिटी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, यूनिक है और अनयूजुअल है. जैसा सलमान सर ने मुझे कहा था कि बेबी का अनयूजुअल पर्सनैलिटी है, मैं हर एक के लिए नहीं बनी हूँ और हर एक जैसी नहीं हूँ. आई एम समबड़ी हु स्टैंड्स आउट, तो आई एम श्योर इट वुड बी लव मैरिज. लास्टली क्या आपको लेकर के और पूजा जी को लेकर बहुत सारी बातें आ गई थी, क्या हो गया था? मतलब सच में दोस्ती टूट गई, क्या हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. हम दोनों अपनी लाइफ्स में प्योरली बिजी हैं. हर एक कंटेस्टेंट अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं और कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाता है. अब आप देखिए, मैं जब अपने ग्रेजुएशन के लिए कर्नाटक चली गई थी, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, जो 20 साल से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुंबई में थी, मैं कर्नाटक में. हमने 5 साल ढंग से बात नहीं की. इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती टूट गई है. हर कोई अपनी अपनी लाइफ के एक पड़ाव में बिजी और इंडल्ज
अटैच्ड हो जाते हैं, बट जो दिल से जुड़े रिश्ते होते हैं ना, वो जिंदगी भर जुड़े ही रहते हैं। तो अगर अचानक से आपको पूजा जी मिल जाती हैं, सामने आपको मिल जाती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? I'll be very happy to see her. I'll be awestruck and love struck like always. I would love to touch her feet. I would love to take her blessings. हमने पिछली बार देखा था आप लोग ग्रुप बना के घूमने भी गए थे, यू नो, पूरा सारा। तो इस बार ऐसा कुछ प्लान बन रहा है? इस बार अभी फिलहाल, जैसे कि मैंने कहा, सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए हैं, तो बिग बॉस के इमीडिएट बाद थोड़ा टाइम मिला था, इसलिए सब मिल पाते थे, घुल पाते थे। और मैं तो इमीडिएटली दुबई भी चली गई, तो तभी भी वक्त नहीं मिल रहा था। तो जैसे जैसे सबका काम आता रहता है, सब बिजी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्टली अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? हाय एवरीवन, दिस इज बेबिका, दिस इज माय बर्थडे टुडे, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू नो कि आई एम कमिंग अप विद अ लॉट मोर। और आप सबके लिए, मैंने अपनी दुबई की जॉब पे थोड़ा ब्रेक लगा के मुंबई आकर, यू नो, अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को तवज्जो दिया है और एफर्ट डाला है। कुछ बहुत एक्साइटिंग लाने वाली हूँ मैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगे। सॉरी, दिस केक ऑन माई हैंड, एंड स्टे ट्यून्ड, देर इज अ लॉट ऑफ लव टूवर्ड्स यू गाइज। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सक्सेसफुल, एंड आपकी हर इच्छा पूरी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।